हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। दिस इज योर फिफ्थ लेक्चर ऑफ क्लास सेवेंथ फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इन योर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड इन न्यूमेरिकल पोर्शन। सो न्यूमेरिकल पोर्शन हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज थी, वहां पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट थे। सो उनमें से हमने फर्स्ट 9 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में। नाउ अब हम बात करते हैं दी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। सो 12 न्यूमेरिकल्स हमारे बच गए थे। सो आज के लेक्चर में हम उन सभी न्यूमेरिकल्स को सिंपली सॉल्व करते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू दी न्यूमेरिकल नंबर 10। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है हमारा 10th न्यूमेरिकल। सो इन दी 10th न्यूमेरिकल व्हाट वी हैव टू डू इज, बस एक्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स। सो हमारे पास एक बस है, उस बस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एक्स से रिप्रेजेंट किया है। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइम में, 5 आवर्स में। वेयर एज बस वाई, सो अगेन हमारे पास एक अनदर बस है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है वाई से, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 476 किलोमीटर इन 7 आवर्स। नाउ बस जो वाई है उसने क्या किया है, 476 का किलोमीटर ट्रेवल किया है, कितने टाइम में, सिंपली 7 आवर्स में। नाउ विच बस ट्रेवल्स फास्टर, सो हमें क्या फाइंड करना है, सिंपली यहां पे हमें फाइंड करना है कि कौन सी बस हमारी फास्टर है, यानी कि स्पीड कौन सी बस की ज्यादा है हमारी। सो सिंपली हमें बस की क्या निकालनी है, दोनों की स्पीड निकालनी है। देन जिस बस की स्पीड हमारी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, वो बस हमारी क्या करेगी, सिंपली फास्टर ट्रेवल करेगी। सो चलिए देखते हैं। सो हेयर फोर बस एक्स, जो बस एक्स है उसके लिए देखते हैं। सो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, डिस्टेंस गिवन है, कितना डिस्टेंस गिवन है, सिंपली हमें गिवन है 360 किलोमीटर एंड टाइम हमें कितना गिवन है, टाइम हमें गिवन है 5 आवर्स। सो नाउ द स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, सिंपली यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी। नाउ वैल्यू को पुट करते हैं, सो दिस विल बी 360 अपॉन 5, देन सिंपली डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स, देन दिस विल बी 72 किलोमीटर्स पर आवर। सो ये हमारी क्या आ जाएगी, बस एक्स की स्पीड आ जाएगी। नाउ अब बस वाई को देखते हैं हम सिंपली। सो फोर बस वाई डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, कितना डिस्टेंस है, 476 किलोमीटर्स एंड टाइम इज इक्वल्स टू 7 आवर्स। टाइम कितना गिवन है हमें, सिंपली 7 आवर्स। देन स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैल्यूज को पुट करते हैं, 476 अपॉन 7, देन इट विल सिंपली किससे डिवाइड होगा, सिंपली 6 टाइम्स, एंड देन सिंपली हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 टाइम्स, देन दिस विल बी 476 को हमें डिवाइड करना है 7 से, देन 6 टाइम्स दिस विल बी 42 हो जाएगा, देन 58, देन दिस विल बी 68, देन दिस विल बी सिंपली कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 68 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस विल बी द स्पीड ऑफ बस वाई। सो ये बस वाई की हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। नाउ अब अगर आप यहाँ पे दोनों की स्पीड्स को कंपेयर करें, देन जो बस एक्स है उसकी स्पीड आई है 72 एंड बस वाई की स्पीड आई है 68। सो कौन सी बस ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी, सो वी कैन सिंपली से हेयर बस एक्स ट्रेवल्स फास्टर। सो बस एक्स क्या करेगी, हमारी फास्टर ट्रेवल करेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 11 पे मूव करते हैं। सो हेयर इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव गिवन, अ स्नेल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। एक स्नेल है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 100 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन 50 आवर्स में। नाउ कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इन किलोमीटर पर आवर। सो हमें सिंपली यहाँ पे स्पीड फाइंड करना है। सो एवरेज मीन्स सिंपली एवरेज जैसे हम निकालते हैं, बट यहाँ पे तो हमें एक ही डाटा गिवन है, सो सिंपली बेसिक हम स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे। बट यहाँ पे देखिए, स्पीड जो हमें पूछी है ना, किलोमीटर पर आवर में पूछी है। नाउ टाइम तो हमें ऑलरेडी आवर्स में है, बट जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है। सो हमें सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर्स में चेंज करना पड़ेगा। देन दिस विल बी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 100 मीटर्स। सो कैन आई राइट दिस एज 0.1 किलोमीटर्स, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1
1000 meters. It means 1 meter is equals to 1 upon 1000 kilometers. So like that. So हमारे पास distance अब क्या आ गया है, kilometers में आ गया है. Time हमें already hours में given है, which is 50 hours है. Now value को put करते हैं formula में. So speed is equals to distance upon time. Then this will be equals to कितना हो जाएगा, 0.1 upon 50 kilometers per hour. Now जब आप इसको आगे further solve करोगे simply, then this will be equals to 0.002 kilometers per hour. यानी कि जो snail है वो इतने kilometers का distance travel करेगी 1 hour में, and this will be the speed of the snail. So dear students, that's how you can simply solve this numerical. So I hope आपको दोनों numerical अच्छे से समझ में आ गए हैं. So चलिए अब हम move करते हैं numerical number 12 पे. So now dear students, numerical number 12 here is, a tortoise moves a distance of 100 meters in 15 minutes. Now what is the average speed of the tortoise in kilometers per hour? So देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, एक tortoise है, वो कितना distance travel कर रहा है, वो distance travel कर रहा है यहाँ पे हमारा 100 meters का, और कितने time में distance travel कर रहा है वो, इसको वो कर रहा है 15 minutes में travel. हमें पूछी गई है उसकी average speed. Average speed या simply speed बोल सकते हैं हम यहाँ पे, किसमें, kilometer per hour में. So first of all हमें distance को kilometers में convert करना होगा. Then after which your time meters में है, उसको hours में. So देखिए, so इसको मैं simply यहाँ पे लिख सकता हूँ, upon 1000 kilometers, then this will be कितना हो जाएगा, 0.1 kilometer. So इतना distance हो जाएगा kilometer में. Now time को हम simply करेंगे, so 15 upon 60 hours, then this will be cancel हो जाएगा, this will be 1 upon 4 hours. So ये हमारे पास टाइम आ गया है सिंपली hours में. Now स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल हो जाएगी. वैल्यू को पुट करते हैं, डिस्टेंस है 0.1, स्पीड कितनी है 1/4 किलोमीटर्स पर आवर. नाउ 1/4 को ऊपर लेके आएंगे हम, सो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 4, देन दिस विल बी 0.4 किलोमीटर्स पर आवर. सो दिस विल बी द स्पीड ऑफ द टॉर्टोइज इन किलोमीटर पर आवर. सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट यू कैन सिंपली सॉल्व द क्वेश्चन हेयर. बस आपको ध्यान देके जितने भी अभी तक हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, मेन फोकस कहां पे रखना है आपको, सिंपली यूनिट्स के कन्वर्जन पे रखना है. बिकॉज कहीं पे भी अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो गई यूनिट्स के कन्वर्जन में, देन आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल जो आप सॉल्व करोगे वो रॉन्ग हो जाएगा. नाउ चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, न्यूमेरिकल 13 पे. सो इन अ न्यूमेरिकल, इन दिस न्यूमेरिकल, इफ अ स्प्रिंटर रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 9.83 सेकंड्स. सो स्प्रिंटर मींस यहां पे एथलीट हम बोला गया है, सिंपली यहां पे एक एथलीट है जिसने 100 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने सेकंड्स में, 9.83 सेकंड्स में. नाउ कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. हमें उसकी एवरेज स्पीड किसमें कैलकुलेट करनी है, किलोमीटर पर आवर में. नाउ देखिए नॉर्मली इसकी स्पीड हमें किसमें गिवन है, मीटर पर सेकंड में, और हमें किलोमीटर पर आवर में निकालने. सो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, सो उसी को हम यूज करके यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड को फाइंड करेंगे. सो गिवन डाटा नोट करते हैं. सबसे फर्स्ट हमें डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस है हमारे पास 100 मीटर्स, एंड हमारे पास टाइम कितना गिवन है, टाइम हमारे पास है 9.83 सेकंड्स. नाउ स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, सिंपली यहां पे इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ पुटिंग द वैल्यूज हियर, सो ये कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 9.83 हो जाएगा. अब सिंपली किलोमीटर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 18 अपॉन 5 से. नाउ 5 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 20 आ जाएगा. नाउ अब इसको हम सिंपली यहाँ पे आगे अगर सिंपली सॉल्व करेंगे हम, देन दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी सिंपली यहाँ पे, 20 मल्टीप्लाइड बाय 18 अपॉन 9.83
3, then this will be equals to 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 में. सो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक में आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेशन में यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ. देन दिस विल बी 0, दिस विल बी 16, देन दिस विल बी 0, दिस विल बी 2, देन 360 आ जाएगा. 360 अपॉन 9.83. नाउ पॉइंट हटाएंगे अगर हम, सो ऊपर दो जीरोस आ जाएंगे. देन सिंपली हमें क्या करना है, 36000 को डिवाइड करना है किससे, 983 से. सो इसको हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डिवाइड करना है. सो नाउ बाय योरसेल्फ आपको यहाँ पे ये क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको सॉल्व करना है. सो इसकी कैलकुलेशन मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं. सो ये आपको बाय योरसेल्फ सॉल्व करना है. सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे. सो मैं थोड़ा सा फास्टली यहाँ पे आगे मूव कर रहा हूँ बिकॉज टाइम लिमिटेड है अगेन हमारे पास, एंड अभी हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं. सो टोटल अभी हमारे पास यहाँ पे 8 न्यूमेरिकल्स रिमेनिंग है, उन सभी को भी हमें यहाँ पे कवर करना है इसी लेक्चर के अंदर. सो ये कैलकुलेशन आपको करनी है यहाँ पे सिंपली. सो चलिए अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14 पे. Now, dear students, moving on to the next numerical here. So, in the next numerical, we have given a block is 30 centimeters of each side. So, एक block हमें given है और उस block की जो सभी sides हैं वो कितनी है, 30 centimeters है. And so has a volume of 27,000 सेंटीमीटर क्यूब. सो इतनी साइड है, that's why उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई है, 27,000 सेंटीमीटर क्यूब. Now, अब आगे, it is made of granite. वो बॉक्स किसका बना हुआ है, वो ब्लॉक किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है. एंड विच हैज अ टिपिकल डेंसिटी ऑफ 2.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक, हमें क्या निकालना है, ब्लॉक का वेट निकालना है. सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हमें वेट निकालना है, हमें यहाँ पे मास नहीं निकालना है. सिंपली हमें क्या पूछा है, यहाँ पे वेट पूछा है. सो अभी मैं आगे सिंपली बताऊंगा आपको वेट और मास में क्या डिफरेंस होगा. सो सबसे फर्स्ट अपने डाटा को नोट करते हैं यहाँ पे सिंपली. सो ईच साइड हमें जो दी गई है, ईच साइड ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर्स. सो इट मीन्स इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई हमारे पास, सो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू 27,000 सेंटीमीटर क्यूब. एंड डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, सिंपली डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 2.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. सो एज वी ऑल नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो वैल्यूज को पुट करते हैं, सो डेंसिटी कितनी है, 2.8 ग्राम्स है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मास हमें अभी यहाँ पे फाइंड करना है, एंड वॉल्यूम हमारी कितनी हो गई है, 27,000 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, देन सिंपली मास कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 27,000. सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम सिंपली यहाँ पे 27,000 की किसमें, 2.8 में. सो सिंपली 27 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 2.8 में, देन दिस विल बी कितना हो जाएगा सिंपली हमारा यहाँ पे, ये दिस विल बी 56,516 और 5 कितना हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड देन 1 और 5. सो ये कितना हो जाएगा, 657. नाउ ये कितना आ गया हमारे पास वैल्यू मास की, 756,000 एंड डेसिमल कितने पॉइंट्स बाद है, 1 पॉइंट्स बाद, देन दिस विल बी 756,000. सो दिस विल बी द मास. लेकिन हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पे वेट पूछा गया है. नाउ डियर स्टूडेंट्स अब देखें मास और वेट में क्या डिफरेंस होगा. सो मास सिंपली क्या होता है, एक्चुअल होता है, एक्चुअल वेट हम बोल सकते हैं. मींस जितना मास वहां पे क्या है, जितना मैटर प्रेजेंट है. मास किसको डिनोट करता है, सिंपली मैटर को, कितना मैटर वहां पे प्रेजेंट है. और अगर हम बात करें किसकी, वेट की. सो वेट क्या हो जाता है फिर, अगर हम मैटर में किसको मल्टीप्लाई करें, सिंपली जो ग्रेविटी है हमारी. सो अर्थ पे अगर मैं सिंपली ग्रेविटी की बात करता हूं तो कितनी होती है, वो होती है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड. सो सिंपली वेट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देन वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी. सो वैल्यू मास की हमने अभी फाइंड की है, दिस विल बी 756,000 एंड ग्रेविटी कितनी होगी, 10, देन दिस विल बी 756,000 एंड यहाँ पे जो मास आएगा वो आएगा हमारा न्यूटन्स में. किसमें आएगा मास, हमारा यहाँ पे न्यूटन्स में आएगा.
न्यूटन यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है न्यूमेरिकल। सो चलिए अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 15 पे। सो देखिए, इन द न्यूमेरिकल नंबर 15, रोहन हैव टू बिल्ड अ बॉक्स फॉर हिज स्काउटिंग प्रोजेक्ट विद अ वॉल्यूम ऑफ 36 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो देखिए, वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए वहां पे बॉक्स की। सो वॉल्यूम हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द बेस, बेस ऑफ द बॉक्स इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेस कितना होना चाहिए बॉक्स का, वहां पे 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। नाउ विड्थ, विड्थ कितनी होनी चाहिए उसकी, सिंपली विड्थ हमारी क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए सिंपली। नाउ देखिए, अब जो बेस है, बेस सिंपली रिप्रेजेंट किसको करता है, लेंथ को। सो लॉन्ग लिखा हुआ है, यानी कि बेस जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और विड्थ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ब्रेथ को। एंड हमें सिंपली वहां पे क्या फाइंड करना है, हाउ हाई शुड बी बॉक्स, दी बॉक्स की जो हमारी हाइट होगी हमें उसको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। नाउ देखिए, बॉक्स सिंपली लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग है, इट मीन्स बॉक्स हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। सो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, सो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, वॉल्यूम विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नाउ वॉल्यूम कितनी गिवन है, 36 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेथ हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है, एंड हाइट हमें क्या करनी है, सिंपली यहाँ पे फाइंड करनी है। सो 6 एंड 2 कितना हो जाएगा, 12। सो दिस विल बी 36 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, देन दिस विल बी 36 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्क्वायर सेंटीमीटर से क्यूब कैंसिल, देन दिस विल बी इज इक्वल्स टू हाइट, देन 12 से कैंसिल 3 टाइम्स, देन हाइट विल बी 3 सेंटीमीटर। सो उस बॉक्स की हाइट कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि अगर रोहन क्या कर रहा है, सिंपली एक बॉक्स को बिल्ड कर रहा है, और अगर वो उसकी वॉल्यूम इतनी लेगा, उसकी लेंथ इतनी लेगा, और उसकी ब्रेथ इतनी लेगा, विड्थ इतनी लेगा, देन सिंपली उसके बॉक्स की हाइट कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से समझ में आ गए हैं। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 16। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अब हम बात करते हैं सिंपली यहाँ पे। सो हेयर इन दिस न्यूमेरिकल, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। सो हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है दो सिटीज के बीच में, दिल्ली एंड आगरा के बीच में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करते हैं अपने गिवन डाटा को। सो डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, सो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, सो दिस विल बी 200 किलोमीटर्स। नाउ अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर, देखिए 200 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस था टोटल, इसको दो पोर्शन पे हमने क्या किया, डिवाइड किया। सो लाइक दैट, यहाँ पे ये पॉइंट ए है जहां से हमारी ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया। नाउ दिस इज द पॉइंट बी मिडल, एंड दिस इज द लास्ट एंडिंग पॉइंट। नाउ अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो यहाँ पे सिंपली ये डिस्टेंस है, सो ये कितना है, 100 किलोमीटर्स है, एंड इधर भी ये कितना है हमारे पास, 100 किलोमीटर्स है। नाउ सो फर्स्ट जो 100 किलोमीटर्स है वो ट्रेन ने कितनी स्पीड से ट्रेवल किया है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है। सो यहाँ पे कितना टाइम, कितनी स्पीड थी, 50 किलोमीटर्स पर आवर। नाउ हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स सो एज टू एवरेज 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी। सो अब हमसे पूछा है कि बाकी के बचे 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, ट्रेन वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करे कि जो पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाए, 70 किलोमीटर पर आवर आ जाए। सो हमें यहाँ पे इसकी क्या निकालनी है, बी से सी पॉइंट के बीच में ट्रेन कितनी स्पीड से ट्रेवल करे वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं टाइम पीरियड को निकालते हैं, कितना टाइम लगा ए से बी तक जाने में। सो स्पीड फॉर फर्स्ट 100 किलोमीटर्स, फर्स्ट 100 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड कितनी थी हमारे यहाँ पे, 50 किलोमीटर्स पर आवर, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर्स, एंड टाइम हमें फाइंड करना है, देन टाइम इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स अपॉन
50 किलोमीटर्स पर आवर देन दिस विल बी कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2 आवर्स। यानी कि ट्रेन को फर्स्ट 100 किलोमीटर्स यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना टाइम लगा है, उसको टाइम लगा है 2 आवर्स। नाउ अब हम फाइंड करते हैं किसको, अब हम फाइंड करते हैं टाइम को जो कहां से कहां तक जाने में लगा है, बी से सी तक हमें जाने में लगा हुआ है। सो अब देखें यहां पे सिंपली कैसे करेंगे, हम सिंपली यहां पे करेंगे एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है यहां पे हमारे पास, सो ये किया हुआ है हमारे पास 200 किलोमीटर्स। एंड एवरेज स्पीड कितनी है हमारी, 70 किलोमीटर पर आवर है। नाउ अब देखिए सपोज ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा था, दिस इज T1। सो ये कितना है 2 आवर्स। और बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगा सपोज T2। सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली T1 प्लस T2 देन दिस विल बी इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा ये हमारा यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर्स अपॉन 2 plus T2 टाइम। सो ये हमारे पास यहाँ पे आ गई है वैल्यू। नाउ अब इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं हम सिंपली। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 2 plus T2 टाइम इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 70 किलोमीटर। देन 0 से 0 कैंसिल, देन किलोमीटर से किलोमीटर, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा ये हमारे पास यहाँ पे 2 plus T2 इज इक्वल्स टू 20/7 आवर्स। नाउ 2 को इधर लेके आते हैं हम, सो इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, देन T2 इज इक्वल्स टू 20/7 - 2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 7 आएगा, दिस विल बी 20 एंड दिस विल बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 टाइम्स, देन दिस विल बी 14। सो कितना हो जाएगा ये हमारे पास यहाँ पे सिंपली 14 हो जाएगा। नाउ अब सिंपली हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो देन T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/7 आवर्स। यानी कि इतना टाइम लगेगा ट्रेन को बी से सी तक जाने के लिए। सो अब चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी एवरेज स्पीड, इतनी एवरेज स्पीड के साथ में। सो चलिए अब हम बात करते हैं स्पीड की, यानी कि कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगी ट्रेन हमारी पॉइंट बी से सी तक, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना था। सो अब देखिए हमारे पास टाइम आ गया है, कितना है 6/7 आवर्स आ गया है, डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी है, सो स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं। सो स्पीड हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। So like that, so speed of train for last 100 kilometers, then this will be distance upon time। डिस्टेंस कितना है हमारे पास 100 और टाइम कितना है हमारे पास 6/7, देन दिस विल बी ये ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी 100 × 7/6 km/h, देन दिस विल बी 700/6 km/h। सो अब जब हम 700 को डिवाइड करेंगे सिंपली, सो 700 को 6 से डिवाइड करते हैं, 1 × 6 आ गया 10, फिर 1 × 6 आ गया 4 एंड 0 यहां पे आ गया, देन सिंपली कितना होगा 6 times, देन दिस विल बी 36, देन 4 आ जाएगा अगेन, देन पॉइंट लगा के फिर 0, देन फिर 6 times, देन द स्पीड विल बी 116.6 km/h। सो जो ट्रेन होगी, ट्रेन को पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ट्रेवल करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए होगी, 116.6 km/h की स्पीड चाहिए होगी, देन तभी टोटल होल जर्नी की जो हमारी एवरेज स्पीड आ पाएगी वो कितनी आ पाएगी, 70 km/h आ पाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो ये थोड़ा सा लेंथी हमारा न्यूमेरिकल था और बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुए हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द 17th न्यूमेरिकल हियर। सो इन द 17th न्यूमेरिकल वी हैव
A train travels the first 15 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन है जिसने क्या किया, 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया और स्पीड कितनी थी वहां पे उसकी 30 किलोमीटर्स पर आवर थी. देन आफ्टर विच नेक्स्ट 75 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर. देन आफ्टर द लास्ट 10 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर्स पर आवर. सो ये यहाँ पे क्या था, उसका डाटा था ट्रेन का. नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड को. सो एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, सिंपली यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो चलिए देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है. सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्लस 75 किलोमीटर प्लस 10. सो इट विल बी 15 प्लस 75 प्लस 10 अपॉन. अब टोटल टाइम की बात करते हैं. सो हमें टाइम फाइंड करना पड़ेगा एवरी केस में, हर एक केस में. सो देखिए टाइम, सो सिंपली अगर मैं बात करता हूं स्पीड की, सो स्पीड हमने पढ़ा है क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना है 15 और स्पीड कितनी है 30. देन वैल्यू को पुट करते हैं. सो 30 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 15 अपॉन टाइम. देन टाइम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15 अपॉन 30. देन दिस विल बी 1/2 आवर्स. सो ये हमारा टाइम हो गया फॉर द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए. नाउ सेकेंड के लिए अगर हम बात करते हैं, सो सेकेंड के लिए स्पीड कितनी है हमारी 50 किलोमीटर और डिस्टेंस कितना है 75 किलोमीटर. सो स्पीड हो गई 50 किलोमीटर और 50 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना हो गया 75 किलोमीटर अपॉन टाइम. देन टाइम इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 50. देन दिस विल बी कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 5. देन दिस विल बी हमारा कितना हो जाएगा 15 अपॉन 10 हो जाएगा. नाउ इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स एंड दिस विल बी 2 टाइम्स. देन दिस विल बी 3/2 आवर्स. सो ये हमारा टाइम हो जाएगा फॉर दिस सेकंड केस. अब थर्ड केस में डिस्टेंस कितना है 10 और स्पीड कितनी है 20. सो थर्ड केस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर है अपॉन टाइम. देन टाइम इज इक्वल्स टू 10/20. देन दिस विल बी 1/2 आवर्स. सो इतना टाइम हमारे पास क्या आ गया है, थर्ड केस के लिए आ गया है. सो तीनों केस के लिए टाइम आ गया हमारे पास. वैल्यू को पुट करते हैं फॉर्मूलेज में. सो फर्स्ट हमारे पास क्या है 1/2, सेकंड हमारे पास क्या है 3/2 एंड थर्ड हमारे पास क्या आया है 1/2. नाउ अब तीनों का सिंपली यहां पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां पे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा सभी का कितना 2 आ जाएगा. देन 1 + 3 + 1 देन दिस विल बी 5/2 और ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास 75 + 5 = 80. दिस विल बी 90 एंड दिस विल बी 100. सो ऊपर हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 100. सो दिस विल बी कितना हो जाएगा 100/5/2. देन सिंपली ऊपर 2 चला जाएगा हमारे पास. देन दिस विल बी कितना हो जाएगा 5. देन दिस विल बी 200/5 एंड ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. देन दिस विल बी 40 किलोमीटर पर आवर. सो दिस विल बी द एवरेज स्पीड. सो ये हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी किसकी, ट्रेन की. सो अगर हम टोटल होल जर्नी की एवरेज स्पीड निकालेंगे सो वो कितनी आएगी हमारे पास, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे. आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया है. Now, dear students, next numerical here is numerical number 18. So, a car is moving along a straight road at a steady speed. So, एक कार है जो मूव कर रही है एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे और एक स्टडी स्पीड के साथ में. स्टडी स्पीड का मीन्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट स्पीड है, यानी कि एक ही स्पीड से वो चल रही है सिंपली. इट ट्रेवल्स 150 मीटर इन 5 सेकेंड्स. उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 150 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स में. नाउ इन द फर्स्ट पार्ट व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी. सो
जैसा हमने सिंपली अभी तक हम पढ़ते आए हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी हमारी सिंपली वहां पे डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 150/5, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा 30 meters per second। सो इतनी स्पीड से, इतनी स्टेडी स्पीड से वो कार क्या कर रही है, सिंपली ट्रेवल कर रही है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 second, वो 1 second में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सो देखिए 1 second में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 30 meters। सो बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 30 meters हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 6 seconds, वो 6 seconds में कितना ट्रेवल करेगी डिस्टेंस। सो सी पार्ट में, सो 1 second में, 1 second में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो 30 meters। सो 6 seconds में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सो 30 multiplied by 6, देन दिस विल बी 180 meters। सो 180 meters वो दूर चली जाएगी कितने सेकेंड्स में, 6 seconds में। नाउ इन द फोर्थ पार्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 240 meters, 240 meters डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। सो कितना टाइम लगेगा सिंपली, सो डी पार्ट में हमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है, हमारे पास डिस्टेंस है और हमारे पास क्या है, स्पीड है। सो हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। नाउ स्पीड हमें कितनी गिवन है, 30 meters per second, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 240 meters, टाइम हमें फाइंड करना है, देन टाइम इज इक्वल्स टू 240/30, 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड 3 से कैंसिल क्या हो जाएगा, 3 से हमारा कैंसिल हो जाएगा ये 8 times, देन 8 seconds। सो 8 seconds में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, वो 240 meters का डिस्टेंस वहां पे ट्रेवल कर लेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल नंबर 18। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो नाउ चलिए मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 19 पे। Now, dear students, next numerical here is, discuss briefly how you will measure volume of an irregular object. So, यहाँ पे हमें discuss briefly हमें बताना है किस तरह से हम एक irregular object की volume को measure कर सकते हैं। So, देखिए हमने starting में lectures के अंदर study किया था, starting second lecture में I think हमने वहाँ पे study किया था कि अगर हमारे पास कोई irregular object है, then simply हम क्या करेंगे, कैसे उसकी volume को measure करेंगे। So, simply हम एक measuring क्या लेंगे, एक measuring cylinder लेंगे, उस measuring cylinder को water से fill करेंगे। Like that, हमने suppose उसके अंदर 100 ml waters fill किया, so this is the first volume, ये initial volume हो जाएगी, then after which हम उस irregular object को क्या करेंगे, उस measuring cylinder के अंदर हम उसको dip कर देंगे with the help of a thread, then simply फिर हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे वॉल्यूम को। सो जो नेक्स्ट हमारी वॉल्यूम आएगी विद इन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के साथ में वॉटर की, देन फिर दोनों वॉल्यूम्स को क्या कर देंगे, हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो ये मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको डिस्कस किया हुआ है। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है फर्स्ट पार्ट, कैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सिंपली बताएंगे इरेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट्स की वॉल्यूम को कैसे मेजर कर सकते हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रॉक है ए, रॉक ए हैज अ वॉल्यूम ऑफ 15 cm³। रॉक ए की वॉल्यूम कितनी है, 15 cm³ है और मास है उसका 45 ग्राम। देन व्हाट इज इट्स डेंसिटी, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी सिंपली। सो पार्ट ए के लिए हमारे पास क्या गिवन है वहां पे, सिंपली मास हमारे पास है 45 ग्राम्स एंड वॉल्यूम हमारे पास है विच इज इक्वल्स टू 15 cm³। देन डेंसिटी कितनी हो जाएगी सिंपली वहां पे, डेंसिटी विल बी मास अपॉन वॉल्यूम, देन 45/15, देन दिस विल बी 3 g/cm³। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द रॉक ए, रॉक ए की डेंसिटी आ गई। नाउ पार्ट बी में हमें क्या पूछा है, पार्ट बी में हमें गिवन है वॉल्यूम रॉक बी की एंड मास एंड उसकी डेंसिटी पूछी है। सो पार्ट बी में अगेन सेम कंसेप्ट यूज होगा, मास हमारे पास कितना है 60 ग्राम्स है, वॉल्यूम हमारे पास कितनी गिवन है, वॉल्यूम हमारे पास 30 cm³ गिवन है। देन डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, सिंपली डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, देन दिस विल बी 2 g/cm³। सो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई है रॉक बी के लिए। नाउ पार्ट सी में हमें क्या पूछा है, विच रॉक इज हैवियर,
कौन सा रॉक हैवियर होगा, हैवियर कौन सा होगा जिसका मास ज्यादा होगा। सो देखिए रॉक ए का मास 45 है और रॉक बी का मास कितना है 60 है, देन कौन सा रॉक हैवियर होगा यहाँ पे, सो बी रॉक बी इज हैवियर। सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे सिंपली, रॉक बी इज हैवियर, रॉक बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा हैवियर हो जाएगा। नाउ पार्ट डी में हमें पूछा है विच रॉक इज डेंसर, सो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। सो रॉक ए की डेंसिटी है 3, रॉक बी की है 2, सो किसकी ज्यादा डेंसिटी हो गई ए की, सो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे रॉक ए इज डेंसर, रॉक ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा डेंसर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स लाइक दैट यू कैन सिंपली सॉल्व दिस न्यूमेरिकल ऑल्सो। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया है, एंड जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, सो ये वाला पार्ट ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। नाउ चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। Now dear students, अब बात करते हैं numerical number 20 की। So in this numerical we have given a solid cylinder has a radius of 2 centimeter. एक solid cylinder है हमारे पास, उसकी radius क्या है हमारे पास 2 centimeter है and a length of 7 centimeter. और साथ साथ जो उसकी length है वो कितनी है 7 centimeter है। So like that suppose ये हमारे पास क्या है वो solid cylinder है like that, so उसकी radius यहाँ पे कितनी हो गई हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो गई है and this will be the length, और length कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। Now it has a density of, इसकी यहाँ पे हमारे पास density given है हमें, so density कितनी है हमारे पास 3.1 grams per centimeter cube. Now what is the mass of the cylinder, हमें cylinder का क्या find करना है, mass find करना है। So अगर हमें density given हो, मास फाइंड करना हो, देन हमें वॉल्यूम चाहिए होगी। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगी यहाँ पे सिंपली, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो आपने मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूले को स्टडी किया है फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। सो ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 2, सो उसका स्क्वायर है सो 2 × 2। नाउ हाइट, हाइट किसके इक्वल हो जाएगी लेंथ के इक्वल हो जाएगी, देन दिस विल बी 7, 7 से 7 कैंसिल, देन दिस विल बी 22 × 4, इट मींस 88 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द, ये क्या आ जाएगी हमारे पास सिलेंडर की वॉल्यूम आ जाएगी। अब हमारे पास वॉल्यूम भी है डेंसिटी भी है, मास फाइंड कर सकते हैं कैसे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी गिवन है हमारे पास 3.1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, मास हमें फाइंड करना है एंड वॉल्यूम हमारी आ गई है 88 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, देन मास इज इक्वल्स टू 3.1 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 88। सो 3.1 की मल्टीप्लाई करते हैं 88 में, सो 88 मल्टीप्लाइड बाय 3.1, देन दिस विल बी 8 and 8, देन दिस विल बी 24, देन 2 कैरी, देन 24 and 26, देन दिस विल बी 8, 2, देन 7 and then 2, सो पॉइंट आ जाएगा, सो ये आ जाएगा मास 272, सो मास विल बी 272.8 ग्राम्स। सो इतना हमारे पास उस सिलेंडर का क्या आ जाएगा, दिस विल बी द मास ऑफ द सिलेंडर। सो डियर स्टूडेंट्स दैट्स हाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस न्यूमेरिकल ऑल्सो। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको सभी न्यूमेरिकल समझ में आ गए हैं। नाउ वन न्यूमेरिकल इज रिमेनिंग, एक न्यूमेरिकल आपका बचा हुआ है सिंपली। सो वो न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है आपका जैसा हमने न्यूमेरिकल नंबर 15 को स्टडी किया था, जहां पे रोहन था जो क्या बना रहा था, एक बॉक्स बना रहा था अपने स्काउटिंग प्रोजेक्ट के लिए। सो बिल्कुल वही क्वेश्चन है। सो आपको क्वेश्चन नंबर 21 न्यूमेरिकल 21 बाय योरसेल्फ सॉल्व करना है। सो ओके डियर स्टूडेंट्स आज के स्लाइड लेक्चर को हम सिंपली यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड आई होप आपको सभी चीजें, सभी टॉपिक्स, कंसेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स सभी अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।